हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके कुछ घरेलू उपाय। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर फ्रेंड्स आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि शरीर के सभी अंगों में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के अधिक मामले देखने को मिलते हैं। इसी कारण से लोग लो ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इसके शुरुआती संकेत उन्हें नहीं मिल पाते हैं और इसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसा मुख्य रूप से लो ब्लड प्रेशर की जानकारी की कमी के कारण ही होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि लोगों को लो ब्लड प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसका सही तरीके से इलाज कर सकें। किसी व्यक्ति को अगर अपने शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर के संकेत हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण चक्कर आना होता है। आमतौर पर इसे कमजोरी या थकान का संकेत माना जाता है, लेकिन कई बार लो ब्लड प्रेशर का संकेत भी हो सकता है। अगर सर में हल्का दर्द महसूस होता है तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये भी लो ब्लड प्रेशर का लक्षण हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर का अन्य कारण धुंधला दिखाई देना भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का संकेत मिलता है तो तुरंत उसे अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर चेक करके पता लगा सके कि लो ब्लड प्रेशर है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का अधिक जी मचलाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये भी लो ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर का अंतिम और मुख्य लक्षण तनाव महसूस करना भी होता है। अक्सर लोग तनाव को मानसिक रोग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार यह लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगी लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कुछ घरेलू उपाय। यदि आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आप आधा कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिएं, इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए चुकंदर का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कहा जाता है कि दिन में 2 गिलास चुकंदर का जूस पीने से लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। दिन में 1 बार मुलेठी पाउडर की चाय पीने से भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। 30 से 32 किशमिश को एक मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। बर्तन को पूरा पानी से भर दें। सुबह खाली पेट 1-1 किशमिश को चबाएं, उसके बाद पानी पी लें। इससे भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 1 कप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का जूस दिन में 2 बार पिएं। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। इसके अलावा आप तुलसी की 10 से 15 पत्तियों का रस निकाल लें और उसे 1 चम्मच शहद के साथ खाली पेट लें, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। 6 से 7 बादाम को रात भर पानी में भिगोएं, उसका छिलका उतारकर उसे पीस लें और दूध में थोड़ी देर के लिए उबालें और इसे हल्का गरम गरम पिएं, इससे भी लो ब्लड प्रेशर में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत से एहतियात बरतने चाहिए, जिससे कि आप लो बीपी की समस्या से बचे रहें। जैसे कि खाने में नमक की मात्रा बहुत कम ना रखें। शरीर के बीपी को मेंटेन रखने के लिए नमक अहम भूमिका निभाता है। दिन भर कम से कम 8 गिलास पानी या किसी अन्य लिक्विड का इनटेक करें, ताकि शरीर हाइड्रेट बना रहे। झटके से नीचे ऊपर की ओर उठने से बचें। दवाई डॉक्टर की सलाह पर लें। अगर आपको किसी ड्रग से रिएक्शन है तो उससे भी बीपी गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस ना लें। सिगरेट व शराब का सेवन ना करें। खाने में सब्जी व फलों का ज़्यादा सेवन करें। तो फ्रेंड्स, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी लो बीपी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।